वर्धा जिले में मंजूर हुए सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय श्री भिंगन घाट में ही बने, इस मांग के साथ सत्ता पक्ष के ही विधायक समीर कुनावार सदन के सीढ़ियों पर आंदोलन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 5 से 6 लाख लोकसंख्या वाले इस शहर में कोई सरकारी अस्पताल नहीं, वही वर्धा में 2 बड़े अस्पताल है, ऐसे में भिंगन घाट को स्वास्थ्य सेवा की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो वह अपने पद का इस्तीफा दे देंगे। वर्धा जिले में मंजूर सरकारी अस्पताल सिर्फ हिंगन घाट में ही हो, इस मांग के साथ आज विधायक समीर कुन्नावार जो है आंदोलन पर बैठे हैं। उनका क्या कहना है हम देखना चाहेंगे। मुझे बताइए, आप आंदोलन पर बैठे हैं, क्या कहना है आपका? वर्धा जिले में जो शासकीय मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने मंजूर किया हुआ है, वो शासकीय मेडिकल कॉलेज वर्धा जिले में हिंगन घाट में होना चाहिए, इस मांगने के लिए इसलिए मैं यहाँ पायरे पे बैठा हूँ। इस बारे में बार बार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैंने लेटर लिखा हूँ। हमारे हिंगन घाट में बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है और ये मेडिकल कॉलेज हमारे हिंगन घाट में होना जरूरी है। वर्धा में 2 मेडिकल कॉलेज है नज़दीक पास में, इसलिए ये मेडिकल कॉलेज हिंगन घाट में होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे पायरी पे मेरे सरकार के खिलाफ बैठा हूँ। आप सरकार में भी शामिल है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी है, फिर भी आपका आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जनता के लिए, लोगों के लिए और ये जो आरोग्य के लिए, आखिर ये मेडिकल कॉलेज हमारे हिंगन घाट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे मैं बार बार मांगने किया हूँ। गए 6-7 महीने से मैं लगातार इसके पीछे लगा हूँ, लेकिन मुझे न्याय मिला नहीं है, इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अभी जो लोगों को है किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये जो हिंगन घाट में ये व्यवस्था ना होने की वजह से? हमारा हिंगन घाट हाईवे नंबर 44 पे बसा हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स है और बहुत ज़्यादा लोगों को बार बार रेफर किया जाता है। और बाजू का जो एरिया है देखते हुए 5-6 लाख लोकसंख्या का हमारा एरिया है, इसलिए वो मेडिकल कॉलेज वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत सालों से ये मांग थी, लेकिन अभी वो मिला हुआ है जिले के लिए। हम चाहते, हमारी जनता चाहते कि सब वो हिंगन घाट में होना चाहिए, उसके लिए हम आग्रही है। इस कैमरे के माध्यम से आप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही अपील करूंगा कि उन्होंने ये देना चाहिए, ये हिंगन घाट में देना चाहिए, बहुत दिन से हमारी मांगनी है। मैंने उनको अभी तक 8 खत लिख चुका हूँ, इसलिए वो देना जरूरी है, इसलिए मैं अभी उनसे अपील करता हूँ कि तुरंत वो हिंगन घाट देने की घोषणा की है। अगर इस अधिवेशन में ये मांग पूरी नहीं होती तो क्या कदम उठाएंगे? अगला कदम फिर मैं मेरा इस्तीफा दूंगा। अगर ये मेरा कॉलेज अगर मंजूर नहीं होता तो मैं मेरे पद का इस्तीफा दे दूंगा। 5 से 6 लाख लोकसंख्या के इस हिंगन घाट में जो है यह सरकारी अस्पताल मंजूर होना चाहिए, इसी मांग के साथ समीर कुन्नावार जो है आंदोलन पर बैठे हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, ऐसा ही उन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, NBCN नागपुर।